नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों बिहार सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है। इसी कड़ी में एक्सप्रेसवे के बाद अब पटना के तीसरे बाईपास के रूप में कन्हौली रामनगर सिक्स लेन सड़क बनाने का काम करने वाली है। इसकी वजह सड़क पर हादसे कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अब ना ही सड़क पर अचानक से कोई वाहन आ सकेगी और ना ही कोई जानवर आएगा। आसपास 3 फीट ऊंची बाउंड्री बनाने के कारण सड़क का भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें, सड़क का निर्माण NHAI कर रहा है। NHAI की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार कन्हौली से रामनगर के बीच यातायात सुरक्षा का बेहद ख्याल रखा जाएगा, इसीलिए सड़क के दोनों और 3 फीट ऊंची बाउंड्री बनाने का काम किया जाएगा। NHAI के अधिकारियों की माने तो कन्हौली रामनगर के बीच 6 लेन की 40 किलोमीटर में 15% काम हो गया है। सड़क बनाने के लिए अभी भरने का काम चल रहा है। फ्लाई ऐश ईट की कमी से काम पर असर भी पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से फ्लाई ऐश ईट नहीं मिल रही है। इस ईट का इस्तेमाल सड़क के नीचे का लेयर बनाने के लिए होता है। 6 लेन की यह सड़क साल 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। दानापुर बेहटा के बीच करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल 20 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण शुरू होगा। सड़क निर्माण के लिए किसानों से जमीन लेने का काम भी किया जाना है। इन सभी किसानों को जल्द ही मुआवजा दिला दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो बाईपास निर्माण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई पहली किस्त 104 करोड़ रुपए जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के जरिए किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 90% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाने पर अगले साल मार्च में टेंडर निकाला जाएगा। NHAI की तरफ से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। हालांकि सड़क के निर्माण के लिए 62 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें दानापुर से शिवाला के बीच रेलवे की जमीन का भी अधिग्रहण किया जाना है। NHAI की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे से 4 हेक्टेयर जमीन मिलने पर सहमति बन गई है। नीचे की तरफ 28 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की योजना है। इसके लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीन है, किसानों को जमीन का मुआवजा 450 करोड़ रुपए देना है। इसमें पहली किस्त 104 करोड़ रुपए की है। NHAI के अधिकारियों की माने तो एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए 90% जमीन मिलने पर ही टेंडर निकाला जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए पटना जिला प्रशासन से लगातार समन्वय बनाकर भी काम किया जा रहा है, ताकि समय पर इसका निर्माण कार्य हो सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।